मौसम समाचार में आपका स्वागत है। मौसम की लेटेस्ट खबरें पाने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें एमटीवी न्यूज इंडिया। मौसम विभाग ने हल्की मध्यम और जोरदार बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसके अनुसार 18-19 सितंबर को मौसम में परिवर्तन आएगा। 17 सितंबर को कानपुर, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ सहित 21 जिलों में बारिश की संभावना है। 18 सितंबर को कन्नौज, कानपुर, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, उन्नाव, कानपुर नगर सहित 34 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 19 सितंबर को इटावा, झांसी, औरैया सहित 13 जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान बादल गरजने की भी संभावना है, आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। यूपी में इन दिनों मैदान से लेकर पहाड़ों तक बारिश का सिलसिला जारी है। लगातार हो रही बारिश से घाघरा नदी खतरे के निशान से 38 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। राप्ती नदी में भी जलस्तर बढ़ रहा है। पहाड़ी नालों में उफान आ गया है। मौसम विभाग ने पूर्वी यूपी के जिलों में अगले 48 घंटे बाद यानी 29 या 19 सितंबर की भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया है, जबकि पश्चिमी यूपी में बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। बंगाल की खाड़ी में एक बार फिर निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिससे यूपी में एक बार फिर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने 48 घंटे में भारी बारिश के येलो अलर्ट जारी किया है। पूरब से लेकर पश्चिम तक बीते दिनों से कुछ जिलों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश होने से जलभराव की समस्या उत्पन्न हो गई। 10 जिलों में गरज चमक के साथ होगी झमाझम बारिश। उत्तर प्रदेश में बारिश का दौर अभी भी जारी है। पिछले 2 दिनों से राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों और इलाकों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। इलाकों में लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन कुछ जगहों पर जलभराव हो गया। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के 10 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने मानसून की तरह सर्दी ठंड के लिए भी भविष्यवाणी की है, जिसके अनुसार इस बार भयंकर ठंड पड़ेगी। कई राज्यों में तापमान 3 डिग्री तक माइनस में जा सकता है, क्योंकि मानसून अभी गया नहीं है, इसलिए अभी तक बारिश की लगातार हो रही है, जिससे सुबह शाम अब उमस नहीं ठंडक का एहसास होने लगा है। पिछले 1 महीने से हर रोज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने 3 दिन और बारिश की संभावना जताई है। आइए जानते हैं कि आज अगले 2 दिन तक मौसम कैसा रहने वाला है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन और बारिश की संभावना जताई है। आइए जानते हैं आज और अगले 2 दिन मौसम कैसा रहने वाला है। मौसम विभाग ने बताया कि शाम तक दिल्ली NCR, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पूर्वोत्तर राज्य में बारिश हो सकती है। अगले हफ्ते पश्चिमी और मध्य भारत में बादल खूब बरस सकते हैं। 18 सितंबर के बीच मध्य भारत, मध्य प्रदेश में अच्छी बारिश होने की संभावना है। बांग्लादेश के पास समुद्र के दबाव का क्षेत्र बनने से 20 सितंबर के बीच समुद्र तटीय राज्यों और उनसे सटे राज्यों में बारिश के आसार हैं। उत्तर प्रदेश समेत पूरे उत्तर भारत में बारिश का सिलसिला जारी है, इससे कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। इसके साथ ही बारिश से प्रदेश में 9 लोगों की मौत हो गई। मेरठ में मकान की छत गिरने से 3 बच्चों की, लिसाड़ी में छज्जा गिरने से 1 बच्चे की मौत हो गई। वहीं मनायू में लिंटर गिरने से, खिरी में कच्ची दीवार गिरने से 1 व्यक्ति और मोहम्मदी में मकान पर पेड़ गिरने से 1 बुजुर्ग की मौत हो गई। एटा और फिरोजाबाद में दीवार और मकान गिरने से बच्चे और वृद्ध की मौत हो गई। यागी तूफान की वजह से नहीं हो रही मानसून की विदाई। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार मानसून देर तक टिकने की वजह से यागी तूफान है।